हेलो डॉक्टर माधवरा जी, एंड हेलो। सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस साइको एजुकेशन देने वाले यूट्यूब चैनल। ये साइको एजुकेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर माधवरा जी, वो एक स्पेशल साइकेट्रिस्ट है। डॉक्टर माधवरा जी, आपसे आज हम थोड़ा दारू के रिलेटेड सवाल पूछना चाहेंगे। सवाल यह है कि अभी जहाँ से मैं आया हूँ या हमारे बैकग्राउंड में हम ऐसे केसेस भी जनरली देखते हैं, हर एक के आजू बाजू में लोग रहते हैं ऐसे, कि जिन लोगों का अल्कोहल का एडिक्शन होता है या बहुत ज्यादा मात्रा में एडिक्शन होता है, कुछ केसेस हम ऐसे देखते हैं जिनका एडिक्शन छूट जाता है, नॉर्मली भी छूट जाता है, कुछ लोग दवाया लेके भी छोड़ते हैं, एंड कुछ लोगों का कुछ भी करो फिर भी नहीं छूटता, उनका तब तक नहीं छूटता जब तक उनका लीवर उनके साथ छोड़ नहीं देता। तो डॉक्टर माधवरा जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये अल्कोहल का एडिक्शन कैसे छोड़े, तो प्लीज इसके रिलेटेड आप हमें गाइडेंस करें डॉक्टर माधवरा जी। वैसे ये क्वेश्चन काफी लोगों को इसका आंसर काफी लोगों को चाहत होगी सुनने का। लेकिन मैं ये बात पहले ही बता दूं मित्रों एंड सिस्टर्स सर आपको भी कि दारू की लत छुड़ाना ये आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। भले ही आपने कह दिया कहते कहते कि कुछ लोगों की दारू छूट जाती है, लेकिन जिन लोगों की दारू छूट जाती है उन लोगों के कारण कुछ और होते हैं जिसके कारण उनके दारू छूटती है। तो सबसे पहले हमने ये देखना चाहिए कि किन की दारू छूट जाती है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो जिनको सचमुच की दारू की लत लग जाती है वैसे लोगों की दारू छूटना साइकेट्रिस्ट के मदद के बगैर या दवाइयों के बगैर बहुत मुश्किल है। उसका सबसे पहला कारण ये होता है क्योंकि जिनको दारू की लत लग गई है, अगर आपको दारू की लत लग गई है तो कैसे जाने, इस नाम का हमारा वीडियो है। इस वीडियो में देखने के बाद में अगर आप मालूम करते हो मित्रों कि हाँ सच में आपको दारू की लत लग गई है, तो अगर उस वो वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, वो वीडियो के बेसिस पे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको दारू की लत लग गई है तो आपकी लत अपने आप से छूटना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन की जगह में है। तो इतनी ज्यादा कठिन होती है, उसका कारण ये होता क्योंकि दारू के कारण ब्रेन की 14 प्रकार की बीमारियां होती है और उसमें से एक बीमारी तो भूलने की भी होती है, मतलब उसमें भूल जाते हैं, उसमें आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है। तो आपको दारू छोड़ना चाहिए ये थॉट ही मन में नहीं आता, अगर आए मन में तभी उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ब्रेन आपका फंक्शन ठीक नहीं करता, आपका ब्रेन आपको साथ नहीं देता। जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या और जो दारू ना पीने वाले लोग हैं जो सोचते हैं, उस तरह से आपका ब्रेन सोचता ही नहीं मित्रों। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा किसकी दारू छूट जाती है। आमतौर पे एक पेशेंट मेरे पास में आए, हालांकि वो 3 लोग आए थे, तो उसमें माँ थी, लड़का था एक 26-28 साल का लड़का था और उसके पिताजी थे, और उनकी जरूरत ये थी कि उनका कहना था कि वो लड़के को दारू की लत लगी है और 26 साल का लड़का था उसकी दारू की लत लगी है, वो छुड़ा दीजिए। हमने बात करना चालू कर दिया, बात करते करते मेरे ये ख्याल में आया कि पिताजी भी दारू पीते थे लेकिन उन्होंने दारू छोड़ दिया। तो हमने पूछा भाई आपने दारू छोड़ा कैसे, क्या हुआ, तो वो बताने को नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके वाइफ ने उनको फोर्स किया कि आप बता दीजिए, या वाइफ ने ही आंसर बताया आखिर में। उन्होंने जब नहीं बताया तो उन्होंने ये देखा कि उनका लड़का उम्र के 15 साल में दारू पीने लग गया है, और जब ये उन्होंने देखा तो उनको बहुत शॉक लग गया, और किसी ने उन्हें ये बताया कि आपको दारू पीता हुआ देखने के कारण आपका लड़का भी 15 साल की उम्र में दारू पीने लग गया है। ये बात का दर्द उनको इतना हुआ कि उन्होंने खुद ने दारू पीना छोड़ दिया, मतलब उनको शॉक लग गया कि उनका लड़का दारू पी रहा है। ठीक है ना मित्रों, वो आमतौर पे बचपन से दारू नहीं पी रहे थे, उन्होंने बताया उन्होंने उम्र के 35 साल के बाद में या 30 साल के बाद में दारू पीने की शुरुआत की थी। तो ये टाइप के लोग होते हैं जो 30-35 साल के बाद में एंग्जाइटी के कारण, टेंशन के कारण, रिलैक्स होने के लिए दारू पीते हैं कभी कभी, और फिर धीरे धीरे इनकी दारू की आदत जो है या पीने की जो मात्रा है वो बढ़ते जाती है, इनकी दारू छूट सकती है।
ठीक है ना, इसको टाइप वन अल्कोहलिज्म कहते हैं। तो टाइप वन में इंक्लूड होने वाले जो अल्कोहलिज्म है या अल्कोहलिक्स है, उनकी दारू साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से या ऐसे किसी हादसे से या शॉक से या अपने मन की प्रबलता से बंद हो सकती है, छोड़ सकते हैं वो। लेकिन उनका जो लड़का था उसको दारू की लत कैसी लगी उम्र के 15वें साल में, क्योंकि उसको जेनेटिकली मिली दारू की लत पिताजी से, पिताजी के जीन्स के द्वारा उसको दारू की लत लग गई, मतलब वो फैमिली डिसीज हो गया। ठीक है मित्रों, अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शादी के पहले से उसके पिताजी दारू पी रहे थे, थोड़ी थोड़ी पीते थे, बहुत ज्यादा नहीं पीते थे। उन्हें पता नहीं था कि वो थोड़ी थोड़ी जो पीना है उनकी दारू, वो उनके उसके कारण उनका लड़का, कल को अगर लड़का हुआ तो वो पीने लगेगा, जो कि हो गया। तो अगर आप 30 साल की उम्र के हो या शादी के पहले दारू पी रहे हो, भले ही आप हफ्ते में एक बार पीते हो, दो बार पीते हो, मजे के लिए पीते हो, टेंशन कम करने के लिए पीते हो, तब भी खबरदार हो जाइएगा, क्योंकि ये दारू आपके जीन में बदलाव ला सकती है। ये जो पेशेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पिताजी, मतलब पेशेंट के पिताजी पीते थे, पिताजी के पिताजी नहीं पीते थे, तो उनके फैमिली में पीने वाला ऊपर से नहीं मिला था, उनमें उनके पास से बच्चे के पास में चला गया। तो अगर आप 30 साल की उम्र के हो और आपके फैमिली में अगर कोई पीने वाला नहीं है, तो हो सकता है आपको जेनेटिकली दारू पीने की आदत नहीं है लगी, आपके मित्रों के कारण, आपके निजी चॉइस के कारण आपको ये दारू की आदत लग गई है। अगर ऐसी लगी है तो आपके जीन को बदल देगी और आपके लड़का या लड़की को दारू की आदत लग सकती है आपके जेनेटिक ट्रांसमिशन के कारण। तो खबरदार हो जाइए मित्रों, दारू बहुत खतरनाक चीज है, वो आपके जीन तक को बदल देती है और वो आपके बच्चों में दारू पीने की आदत ट्रांसफर कर सकती है। अब ऐसे व्यक्ति जो जिनमें दारू पीने की आदत जीन से ट्रांसफर होती है, फैमिली से ट्रांसफर होती है, उनकी आदत छोड़ना बहुत मुश्किल है। एक बात और भी है कि ऐसे लोग जो जिनको दारू की लत लग जाती है, वो बहुत बार क्रिमिनल बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर को भी अपनाते हैं। तो ऐसे अवस्था में भी दारू की लत बंद छोड़ना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज दारू की लत छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, इसका मैं आपको जवाब अभी देता हूँ, थोड़ा संक्षिप्त में जवाब दूंगा, क्योंकि दारू की लत छोड़ने के लिए पहला मेरा जवाब तो ये है कि आप साइकेट्रिस्ट को मिलिए। अगर आपको लगता है कि आपको दारू की लत लगी है, साइकेट्रिस्ट के मार्गदर्शन के अनुसार उनको कहिएगा, अगर आपको दवाई नहीं चाहिए तो, कि दवाई नहीं चाहिए, सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए, तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग साइकेट्रिस्ट दिया हुआ होगा, उससे आपकी दारू की लत छूटने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास में नहीं जाना चाहते, घर ही घर में अपने आप ही अगर आपकी दारू की लत अगर आपको छुड़ानी है, तो फिर ये उपाय कीजिएगा। ये उपाय आप में से कुछ लोगों को, अगर इन उपायों में से फायदा ना हुआ, दारू की लत ना छूटी, तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास में जाइए, क्योंकि फिर आपकी दारू की लत आपको क्यों लग रही है, उसके क्या कारण है, इनका कारण मीमांसा करनी पड़ेगी और वो देखना पड़ेगा कि जो कारण है वो कारण निकालने पड़ेगा या वो कारण का इलाज करना पड़ेगा, तब आपकी दारू की लत छूट सकती है। ठीक है ना, दारू की लत उन लोगों को भी लगती है जिनको कोई मानसिक बीमारी होती है, मतलब वो मानसिक बीमारी के कारण दारू की लत लगती है, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है। तो ऐसी कुछ मानसिक बीमारियां हैं जिसमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, तो वैसी मानसिक बीमारी के कारण अगर आपको दारू की लत लगी है तो छूटना नहीं है दवाई लिए बगैर या साइकेट्रिस्ट के पास में गए बगैर। इसीलिए आप दारू छोड़ने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास में ऐसे हालत में जरूर जाइएगा। अब इसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं, उनमें से अगर आप एक हो जिनको दारू की लत छुड़ानी है, तो कुछ नुस्खे या कुछ आइडिया या कुछ पॉइंट्स मैं आपको पेश करता हूँ। तो ये पहली बात, अगर आप दारू छुड़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना कौन से डे से दारू नहीं पियोगे, नहीं छुओगे दारू को, ये डिसाइड करिए कि मैं इस दिन से, जैसे आने वाले सोमवार से है ना, मैं दारू नहीं पीऊंगा, या आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा। और ये डिक्लेयर मन में ठानने के बाद में डिक्लेयर करिए पब्लिकली, लोगों को, घर के लोगों को, दोस्तों को बता दीजिए कि अरे मैंने दारू छोड़ दिया। ये बताना बड़े जरूरी है, अगर आप लोगों को बताएंगे कि मैंने दारू छोड़ दिया, तो लोग वॉच डॉग जैसे देखते रहेंगे, हाँ ये दारू पी रहा है कि नहीं पी रहा है, और आपका मन भी आपको सतर्क करेगा, अरे तूने तो बोला कि दारू छोड़ दिया, फिर ये दारू कैसे पी रहा है। तो दारू की जब भी इच्छा होगी आपको ये डिक्लेयर करने के बाद में, आपका मन ही आपको टोकेगा और आप दारू पीने से खुद को वंचित करोगे।
इसीलिए डिक्लेयर करिए, मन में संकल्प लीजिए, संकल्प लेने के बाद में उस संकल्प को पब्लिकली डिक्लेयर करिए, ठीक है। फिर जो आप जिस पे आपका भरोसा ज्यादा है, जो दारू नहीं पीने वाले हैं, उनमें से किसी को अपना जज बनाइए, आपके ऊपर में निगरानी करने वाले व्यक्ति बनाइए, केयर टेकर बनाइए, और उनको कहिए कि अगर मैं दारू पीऊंगा या मेरे मन में इच्छा हुई तो मैं आपसे बात करूंगा, पीऊंगा नहीं। तो जब कभी दारू पीने की इच्छा, प्रबल इच्छा आपके मन में आएगी, तो ऐसे केयर टेकर के साथ में आप बात करिए, वन टू वन बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं तो फोन पे बात करिए। आपको जो भी तकलीफ होगी, आपको जो भी इच्छा होगी, वो इच्छा उनके साथ में शेयर करिए, ताकि वो आपको कोई ना कोई आपका जो वार्तालाप होगा, चर्चा होगी, उसमें आपका समय निकल जाएगा। समय निकल जाएगा तो जो आपको अर्ज आती है दारू पीने की, वो कुछ हद तक के समय टाल देगी। अगर समय टल गया तो आपकी अर्ज कम हो जाएगी, अर्ज अगर कम हो जाएगी तो आप दारू ना पीते हुए सो सकोगे, ठीक है मित्रों। अब इसके बाद में अगर ये सब कुछ नहीं चला, फिर भी अगर दारू आपको पीने की अर्ज इतनी ज्यादा हो गई कि आप खुद को नहीं रोक सकते, ऐसे समय में आप जो भी ब्रांड पी रहे थे उसको बंद कर दो, रेड वाइन को हाथ में लीजिएगा। रेड वाइन ये दारू का टाइप है, दारू का प्रकार है, उसमें लोकल ब्रांड और स्टैंडर्ड ब्रांड दोनों उपलब्ध है, रेड वाइन, क्योंकि रेड वाइन पीने से चढ़ती नहीं, नशा आता नहीं, तो आपका काम चल जाएगा। आप दारू नहीं पिएंगे, आपकी नशा नहीं आएगी, आपका दिमाग खराब नहीं होगा, तो रेड वाइन पीने से आपका दिमाग उतना खराब नहीं होगा जितना कि दारू पीने से हो जाता है। तो ये इसका और एक अल्टरनेटिव है, ठीक है मित्रों। अब इसके बाद में आगे का उपाय ये है कि अगर आप रेड वाइन पी रहे हो या रेड वाइन नहीं पी रहे हो, क्योंकि आपको चढ़ नहीं रही और आपका मन बोले नहीं नहीं मुझको चढ़ना चाहिए, और आपने दारू को बोतल को उठाया या सेवन करने के लिए आप दारू के क्लब बार में चले गए, अब ऐसे समय में आप क्या करिए, पहले खाना खा लो, दारू की बहुत इच्छा हो जाए तो, चाहे आपका नाश्ता हो या चाहे आपका भोजन हो, आप पेट भर दीजिए। अगर आप पेट भर देंगे तो आपकी दारू की इच्छा कम हो जाएगी, ये पक्की बात है, अगर आपका पेट भर गया तो दारू की इच्छा कम हो जाएगी। उसके बाद का उपाय, पेट भरने के बाद में भी अगर आपका मन नहीं मानता, दिल मांगे मोर तो दिल मांगे दारू, अगर ऐसा करेगा वो, तो फिर आप दारू एकदम कम पीजिएगा, मतलब 20 ml लीजिए या 30 ml का पैक बनाइए और उसे बहुत धीरे धीरे पीजिए, जल्दीबाजी मत करना। अब इतनी समय तक के आप अपने आप को रोके रखते हो तो आमतौर पे फिर ऐसे समय में जल्दी से पीने की इच्छा बहुत होती है, तो इसीलिए जल्दी से बिल्कुल ना पीजिए। ऐसे समय में खुद के मन को रोक लगाइए और खुद को बोलिए कि नहीं, कंट्रोल 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 करो, ये खुद को बताइए। दारू के दुष्परिणाम क्या होते हैं उनकी याद करो, अगर आपको दारू के दुष्परिणाम डॉक्टर ने बताए हैं तो उसके बाद को याद करो, है ना, फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। अब मैं अपना आंसर एंड कर रहा हूँ, उपाय एंड कर रहा हूँ, इसमें आखिरी में खुद को ये बात याद दिलाइएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। दारू पीने से क्या होता है, अगर आपको लत लगी है तो दारू पीने से सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है, सबसे बड़ी जो समस्या होती है, जो मैंने बताया कि ट्रांसफर कर दोगे आप अपने बच्चों में, उससे भी बड़ी समस्या क्या होती है, वो होती है आपकी सेक्स की कैपेसिटी निकल जाना। अगर आप लड़का हो और अगर आप चाहते हो कि दारू पिएंगे, छोड़ नहीं सकते, तो खुद को ये बताइए कि सेक्स की जो कैपेसिटी है आपकी वो कम हो जाएगी। अगर आपकी सेक्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और ये सच बात बता रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सेक्स की कैपेसिटी दारू पीने से कम हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं मित्रों, जो मैरिज करने के पहले मेरे पास में आए, बहुत दारू पीते थे, मैंने उन्हें बताया शादी मत करो, क्योंकि वो दारू छोड़ना नहीं चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि दारू अगर पीना चाहते हो तो शादी करना बंद कर दो, शादी मत करो, तो उसी से बात उनकी बनेगी। तो ये बात अपने आप को याद रखिए मित्रों, और मुझको लगता है ये बातें अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपके दारू की लत के ऊपर में आप अमल कर पाएंगे, अंकुश कर पाएंगे, उसे कम कर पाएंगे, ठीक है मित्रों। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जो आपने इन्फॉर्मेशन दी। डॉक्टर माधव राजे, जो आपने मेडिसिन का जिक्र किया था बीच में, तो क्या इसे दारू छोड़ने के लिए दवाइयाँ भी होती है स्पेशल लाइक? हाँ, दारू छोड़ने के लिए कुछ दवाइयाँ तो डेफिनेटली है, ऐसे नहीं है कि ओनली दवाई से दारू छूटेगी। आपके मन का संकल्प, आपके मन की जो कंट्रोल है वो फिर भी लगेगा,
आपको कोई ना कोई मेंटोर फिर भी लगेगा, आप जिसके साथ में ये बातें शेयर कर सकते हो, ऐसा कोई केयर टेकर आपको फिर भी लगेगा। यस सर, थैंक यू सो मच।